दो सदिश को कैसे जोड़ा जाता है हम लोगों ने देखा था। दो सदिश को जोड़ने के लिए एक होता है त्रिभुज का नियम और एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब हम देखेंगे कि सदिश योगफल के गुणधर्म। तो हमारा हेडिंग क्या है, सदिश योगफल के गुणधर्म। सदिश योगफल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कि कौन से गुण को जो है फॉलो करता है सदिश योगफल। तो गुणधर्म नंबर एक है क्रम विनिमेयता। गुणधर्म नंबर एक हमारा क्या है, क्रम विनिमेयता। जैसे हम लोग जो है नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं कि चार में पांच जोड़ो या पांच में चार जोड़ो, वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। उसी हिसाब से इसमें भी होता है, क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। तो इसमें लिखेंगे दो सदिशों ए और बी के लिए जो ए प्लस बी होता है वही बी प्लस ए होता है। दो सदिशों ए तथा बी के लिए, दो सदिशों ए तथा बी के लिए हमारा क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए में बी जोड़ो आप या बी में ए जोड़ो, ये हमारा क्या होता है, फॉलो होता है, क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। अब इसका हम लोग एक थोड़ी सी जो है इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे इसको प्रूफ किया जाए कि ए और ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो ये सेम आता है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ देखने के लिए सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, एक सदिश हमारा हो गया ए, ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, और एक सदिश हम लोग ले लेते हैं बी, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बी सी। अब हम लोग अगर ए में बी को जोड़ें तो ए के जो है अंतिम बिंदु पे बी का प्रारंभिक बिंदु है, तो इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे तो त्रिभुज के नियम से ये जो ए सी हमारा वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए सी, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। यानी ए सी हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा गया। अब हमको वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ना है, तो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ने का मतलब कि वेक्टर बी पहला होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ में यहाँ पे हम लोग जो है फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, तो किसी भी वेक्टर को उसकी ना दिशा बदले और बिना लंबाई बदले उसके समांतर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये बी हमारा है, बी वेक्टर को ला के यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, या बी वेक्टर को हम लोगों ने ला के यहाँ पे रख दिया, समांतर प्रतिस्थापित कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी। और वेक्टर ए को भी हम लोगों ने इसी के समांतर क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर ए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए बी सी डी, इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो इससे इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके पैरेलल यहाँ पे खींच दिया, इसके पैरेलल यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये लंबाई बराबर होगी, तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी हमारा बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इस ये समांतर ये है और दोनों की लंबाई बराबर है, तो बी वेक्टर हो गया। अब आप बी में ए को जोड़े, तो बी वेक्टर हमारा ये है, बी में ए जोड़ने का मतलब कि बी के अंतिम बिंदु पे ए का प्रारंभिक बिंदु हो गया, और फिर हम लोगों का यह त्रिभुज के नियम से फिर यही आ गया हमारा, यही ये इधर से आ गया,
ये हमारा क्या है b प्लस ए। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि जो a प्लस बी होता है वही b प्लस ए होता है। तो इसमें एक आध लाइन लिख लेते हैं हम लोगों की, जो ए बी वेक्टर हमारा है वो a है और बी सी वेक्टर हमारा क्या है b है। तो त्रिभुज ए बी सी में सदिशों के त्रिभुज एक गुणधर्म से हम लोग ए सी वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, और ए डी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हमारा हो जाएगा बी सी वेक्टर, और जो डी सी हमारा है डी सी वेक्टर हमारा ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए डी बराबर बी सी, और ये हमारा क्या है डी सी, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। ठीक है, फिर हम लोग त्रिभुज ए डी सी में हमारा जो ए डी प्लस डी सी बराबर क्या हो गया ए सी, ए डी हमारा क्या है बी और डी सी हमारा क्या है ए बराबर ए सी। तो सीधा सीधा हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि जो वेक्टर सदिशों का योग होता है वो क्रम विन्मेय नियम का पालन करता है, यानी ए में आप बी वेक्टर जोड़ो या बी में ए वेक्टर जोड़ो दोनों इक्वल आता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर हम लोगों ने ए लिया और एक वेक्टर बी लिया, और इसको जो है क्या कर लिया हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो है हम लोगों ने इसके समांतर खींच दिया और यहाँ से इसके समांतर, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है और समांतर होती है, तो ये हमारा अगर वेक्टर बी है तो ये भी हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि समांतर हम लोग प्रतिस्थापित कर सकते हैं यहाँ पर फ्री वेक्टर को। तो इस त्रिभुज ए बी सी में सदिशों के योग गुणधर्म से हम लोग देखेंगे दो वेक्टर ए प्लस बी का योग क्या है ए सी, और फिर इस त्रिभुज ए डी सी में हम लोग देखेंगे बी प्लस ए बराबर क्या है ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो गया ए सी। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी सदिशों का योग जो है हमारा क्रम विन्मेय नियम का पालन करता है। सीधी सी बात हो गई, ये पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा गुणधर्म देखने जा रहे हैं। दूसरा गुणधर्म जो है साहचर्य गुण, साहचर्य गुण ये क्या होता है, तीन वेक्टर आपके पास हों तो हम लोग लिखेंगे कि तीन सदिशों, तीन सदिशों ए बी और सी के लिए क्या होता है, ये आपने क्या किया ए में बी को जोड़ा और ए में बी को जोड़ने के बाद जो आया वैल्यू जो वेक्टर आया उसमें आप सी को जोड़ें, तो ये बराबर किसके होता है, आप ए में किसको जोड़ें बी और सी को जोड़ने के बाद जो सदिश आया है उसको आप ए में जोड़ें। तो इन दोनों में अंतर आप समझिए पहले, ये क्या कह रहा है तीन वेक्टर ए बी सी हैं, ये कह रहा है पहले आप ए और बी को जोड़ लीजिए, जो वेक्टर ए और बी को जोड़ने के बाद आया उसको वेक्टर सी में जोड़िए, तो जो आएगा वो आप पहले बी और सी को जोड़ लीजिए, जो वेक्टर आया उसको ए के साथ जोड़िए, उसके क्या होगा बराबर होगा। अब इसका हम लोग जो है इसको साहचर्य गुण बोला जाता है, तो ये साहचर्य गुण का पालन करता है। इसकी हम लोग उत्पत्ति ले लेते हैं कि ये प्रूव कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम लोग तीन वेक्टर लेते हैं ए बी सी, तीन वेक्टर हमारा है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे, तो हमारा हो गया वेक्टर, वेक्टर ए हम लोगों ने ये ले लिया और वेक्टर बी हमारा ये हो गया, इसको अलग कलर से रखना है, ये वेक्टर बी हमारा हो गया। ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास सी है, ये तीन वेक्टर हमारे पास हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है,
ए में बी को जोड़िए, तो ए में बी को जोड़े तो त्रिभुज नियम से ए और बी, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बिंदु नाम देते हैं पी क्यू, इसको आर, इसको एस, तो ये हमारा क्या हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि सदिशों के त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि दो वेक्टर एक क्रम से हो तो उन दोनों दो त्रिभुज की भुजाएं निरूपित कर रहे हो तो उनका योग क्या होता है त्रिभुज की तीसरी भुजा और उन दोनों के अपोजिट सेंस में। ये हो गया हमारा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में सी को जोड़ें आप अगर, तो ए प्लस बी यानी पहले वेक्टर ए प्लस बी के अंतिम बिंदु पे अगले वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इसके पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर को अंतिम बिंदु को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या मिला था, पहले हम लोगों को ए प्लस बी मिला था, इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ा सी, तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या है राइट हैंड साइड दिखाना है, ये हम लोगों ने क्या दिखाया लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी था। तो सदिशों के त्रिभुज के योग के नियम को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि यदि हमारे दो सदिश हैं, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पे, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पे दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, तो उन दोनों का योग क्या होता है पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला जो सदिश होता है वही उन दोनों का योग होता है। अब हमारा वेक्टर तो यही सेम रहेगा ए बी सी, अब हमको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए पहले अलग दिखा देते हैं फिर हम लोग जो है इसी में दिखाएंगे। ये हमारा क्या है वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है। अब हमको पहले क्या करना है बी प्लस सी, तो देखिए बी वेक्टर के अंतिम बिंदु पे सी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा बी वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से सी वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया बी प्लस सी। अब b प्लस सी ए में b प्लस सी को जोड़ना है, तो a के अंतिम बिंदु पे b प्लस सी का प्रारंभिक बिंदु है, तो इन दोनों का योग हमारा जो हो जाएगा a वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से b प्लस सी के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। ये हम लोगों को क्या मिला a प्लस b प्लस सी, ये। और देखिए जो दोनों जो फाइनल हमारा आ रहा है वेक्टर, वो फाइनल वेक्टर क्या आ रहा है हमारा, यही वेक्टर आ रहा है यहाँ पे भी और यही वेक्टर यहाँ पे भी। अब एक ही फिगर में हम लोग अगर दिखाना चाहें तो a प्लस बी में c को हम लोगों ने जोड़ के ये दिखा दिया, ये हमारा वेक्टर आ गया। अब हम लोग ये दिखा रहे हैं b प्लस सी पहले निकालें, तो b वेक्टर हमारा क्या है, ये है b वेक्टर, और b वेक्टर के अंतिम बिंदु पे c वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, तो b प्लस सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा b वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और c वेक्टर का अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा b प्लस सी वेक्टर। अब हमको क्या करना है a वेक्टर में b प्लस सी जोड़ना है, तो a वेक्टर के अंतिम बिंदु पे हमारा b प्लस सी का प्रारंभिक बिंदु है, तो a वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु को b प्लस सी के अंतिम बिंदु से हम लोग मिला देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हम लोगों ने क्या किया साहचर्य गुण को प्रूव किया। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारा हो गया साहचर्य गुण, इसको फॉलो करता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ कि कौन सा क्या वेक्टर है, ये आप समझ रहे हैं पी क्यू आर एस, ये हमारा हो जाएगा। अगर लिखना चाहें आप तो लिख देते हैं एक लाइन की यहाँ पे हमारा a प्लस बी वेक्टर हमारा क्या होगा a प्लस बी वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस इक्वल्स टू पी आर वेक्टर, और b प्लस सी हमारा क्या होगा क्यू आर प्लस आर एस इक्वल टू, ये हमारा क्या है क्यू एस के बराबर है। अब a
प्लस बी में हम लोग सी को जोड़ रहे हैं, तो ए प्लस बी हमारा क्या है, ए प्लस बी पी आर प्लस आर एस, क्योंकि ए प्लस बी हमारा क्या है पी आर है, ये देखिए पी आर, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो पी आर प्लस और सी हमारा क्या है आर एस, ठीक है। तो पी आर प्लस आर एस हमारा, ये देखिए पी आर प्लस आर एस बराबर हमारा क्या हो गया पी एस, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए हमारा क्या है पी क्यू वेक्टर है और बी प्लस सी वेक्टर हमारा क्या है क्यू एस वेक्टर, तो ये पी क्यू प्लस क्यू एस हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर ये क्या हो जाएगा पी एस, क्योंकि पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर क्या हो गया ये पी एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण एक हम लोग इसको मान लेते हैं, ये समीकरण दो, यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि ए प्लस बी में सी जोड़ो या आप ए में बी प्लस सी जोड़ो, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमको क्या करना है त्रिभुज के जो सदिशों के योग का नियम है इसको ऐसे याद रखना है, एक जो है कि अगर दो वेक्टर हैं कि पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु, ये पहला वेक्टर ए है और इसको मान लेते हैं दूसरा वेक्टर, तो पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा पहला वेक्टर हो गया ये दूसरा वेक्टर, तो इन दोनों का योग क्या होगा पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर को अंतिम बिंदु को मिलाने वाले जो वेक्टर होगा वही इन दोनों का योग होगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब किसी भी सदिश में आप जीरो सदिश को जोड़ेंगे तो वही रहेगा, तो ये भी एक ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर हमारा क्या होता है जीरो प्लस ए वेक्टर बराबर ये क्या होगा ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर में किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो हमारा वही वेक्टर रहेगा। अब अगला हेडिंग हमारा शुरू होता है एक अदिश से सदिश का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, हम लोग देखेंगे कि किसी अदिश से सदिश का जो गुणन किया जाता है उसका मतलब क्या होता है और एक क्या मिलता है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए, माना ए एक दिया हुआ सदिश है, हमारे पास क्या है एक सदिश ए है दिया हुआ सदिश है और लेमडा एक अदिश है, ठीक है, यानी लेमडा हमारा कोई अदिश है और ए क्या है कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा इंटू ए, लेमडा ए, ये लेमडा इंटू ए हमारा क्या हो गया लेमडा इंटू ये हमारा क्या हो गया अदिश लेमडा का, अदिश लेमडा का सदिश ए से गुणा, ये हमारा हो गया लेमडा इंटू ए, ठीक है। तो लेमडा इंटू ए हमारा क्या हो गया अदिश लेमडा का सदिश ए से गुणन। अब हम लोग देखते हैं कि लेमडा इंटू ए है क्या, लेमडा इंटू ए हमारा है क्या,
तो सपोज करिए कि हमारा ये वेक्टर जो है ए है, ये वेक्टर ए है, और लेमडा की वैल्यू हम लोग जो है अभी मान लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेमडा की वैल्यू हम लोग ले लिए 2, यानी लेमडा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे विशेष वैल्यू ले लिया, लेमडा का मान क्या ले लिया 2। तो अब लेमडा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू ए, ठीक है, लेमडा इंटू ए। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए। 2a वेक्टर का मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए और 2a वेक्टर का क्या होगा कि जो वेक्टर ए का 2 गुना वेक्टर हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई हमारी जो वेक्टर ए की है वो क्या हो जाएगी, 2 गुना, और दिशा वही हमारी रहेगी, सेम रहेगी। तो 2a वेक्टर का मतलब समझ में आया कि वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर 2a, यानी दिशा समान है, इसकी दिशा जो है हमारा 2a वेक्टर की दिशा हमारा वेक्टर ए के समान होगा, यानी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि 2a जो सदिश होगा कि दिशा ए की दिशा में होगी, ए की दिशा में होगी, और लंबाई यानी परिमाण, लंबाई कहें या ब्रैकेट में परिमाण, सदिश ए का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या सिंपल सा देखा कि लेमडा की वैल्यू 2 लेके देखा है, लेमडा की वैल्यू 2 हम लोगों ने लेके देखा है। अब हम लोग मानते हैं कि ये हमारा सदिश ए है, और सपोज करिए लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 1/2। तो लेमडा इंटू वेक्टर ए हमारा जो परिभाषित होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए। तो अब हमारा लेमडा इंटू ए क्या होगा, 1/2a। तो 1/2a वेक्टर हमारा क्या होगा, वो वेक्टर ए की दिशा में होगा, लेकिन उसकी लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की आधी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया लेमडा बराबर 1/2 पे। अब मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ए है और लेमडा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दिया, -2। तो लेमडा इंटू ए यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2a वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे। अब -2a वेक्टर का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर -2a की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, लेकिन लंबाई क्या होगा, जो -2a का लंबाई होगा वो हमारा वेक्टर ए का 2 गुना होगा। यानी हम लोग यहाँ पे कहें कि -2a सदिश की दिशा ए के विपरीत होगी और परिमाण 2 गुना होगा, ठीक है। यानी हमारा दिशा कब बदलेगा, जब लेमडा की वैल्यू ऋणात्मक होगी, तो लेमडा इंटू ए वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए के विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसकी ए की लंबाई बढ़ेगी, और लेमडा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उसकी लंबाई क्या होगी, घटेगी। तो सिंपल सा ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो चारों पॉइंट हम लोग जो है समराइज कर लेते हैं कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 2a वेक्टर। 2a वेक्टर और a वेक्टर क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन 2a वेक्टर की लंबाई क्या है, 2 गुनी है, ठीक है। अब वो ये वेक्टर हमारा a है। अब हम लोग अगर कहें कि -1/2 या -2a वेक्टर क्या होगा हमारा, -2a वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, -2a वेक्टर। यानी जब -2 से हम लोग a में गुणा किए ऋणात्मक संख्या से, तो परिमाण तो जो है उतना गुना हो जाएगा, लेकिन दिशा क्या हो गई, बदल गई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर a है, तो इसका हाफ हम लोग कर दें, ये इसको थोड़ा सा
और बड़ा कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू इंटू ए वेक्टर हो गया। अब ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो यूनिट लेंथ है, तो ये हमारा एक यूनिट, दो यूनिट, चार यूनिट हो जाएगा। इसकी भी लंबाई क्या होगी, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, और इसकी लंबाई हमारा क्या रहेगा, केवल एक यूनिट। तो ये जो लंबाई टू यूनिट है, टू ए की लंबाई चार यूनिट, और माइनस टू ए की भी लंबाई चार यूनिट, और माइनस वन बाई टू ए की जो है हमारा क्या हो गया, अच्छा वन बाई टू ए हमारा क्या होगा, वन बाई टू ए हमारा वेक्टर ये होगा। इसकी दिशा ए के समान रहेगी लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, वेक्टर ए का हाफ हो जाएगा। तो वेक्टर ए टू यूनिट था तो वन बाई टू ए हमारा क्या हो गया, उसका आधा हो गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर लैम्डा की वैल्यू धनात्मक होगी तो लैम्डा इंटू ए क्या होगा, वेक्टर ए की दिशा में होगा। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है। तो पहला होगा कि अगर लैम्डा धनात्मक है, लैम्डा की वैल्यू धनात्मक है तो लैम्डा इंटू ए सदिश, लैम्डा इंटू ए सदिश की दिशा सदिश ए की दिशा में होगा और परिमाण यानी जो उसकी लंबाई होगी वो ए की लंबाई के कितना गुना हो जाएगा, लैम्डा गुना। यहाँ पे जो है टू ए से मल्टीप्लाई किया तो ये दो गुना हो गया, अगर थ्री ए करते, तीन से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा क्या हो जाता, थ्री ए हो जाता। यानी ये हमारा एक यूनिट, दो, तीन, एक दो तीन चार पाँच और ये छः यूनिट, ये हमारा क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हमारा मैग्नीट्यूड दो यूनिट है तो इसका थ्री ए का क्या हो गया, छः यूनिट, यानी वेक्टर ए के परिमाण का तीन गुना। तो लैम्डा धनात्मक है तो लैम्डा ए सदिश की दिशा ए की दिशा में होगा और परिणाम ए का लैम्डा गुना हो जाएगा, जो परिमाण होगा उसका वो लैम्डा गुना हो जाएगा ए का ओरिजिनल। और दूसरा स्थिति है कि अगर लैम्डा ऋणात्मक हो, ऋणात्मक है तो जैसे ऋणात्मक का मतलब माइनस थ्री हो गया तो माइनस थ्री क्या होगा, दिशा बदल जाएगी और परिमाण वही तीन गुना रहेगा। तो लैम्डा ए सदिश की दिशा सदिश ए की विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा और परिमाण, अब यहाँ पे माइनस तीन गुना नहीं होगा, अगर माइनस तीन से गुणा करेंगे तब भी परिमाण क्या होगा, तीन ही गुना होगा, बस दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये थ्री ए है तो माइनस थ्री ए हमारा जो होगा, ये माइनस थ्री ए हो जाएगा। तो इसमें तीन ही गुना इसमें भी होगा, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें परिमाण हमारा क्या होगा, मॉड लैम्डा गुना। मॉड लैम्डा का मतलब समझ रहे हैं कि अगर माइनस तीन से गुणा कर रहे हैं तो माइनस तीन का मॉड क्या होगा, तीन ही होगा, तो तीन गुना इसमें भी होगा लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी और परिमाण मॉड ए गुना हो जाएगा। तो ये पूरी बात हो गई हमारा कि किसी भी सदिश और अदिश का जब गुणा किया जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं हल्का सा, कि हमारा जो है ए, ये क्या है, कोई सदिश है, सदिश है, और लैम्डा हमारा क्या है, कोई अदिश है।
तो आम तौर पे हम लोग सदिश ए का जो परिमाण होता है इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या बताता है, ये सदिश ए की लंबाई बताता है कि ये कितना होगा, इसका केवल मॉड दिशा नहीं बताता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेमडा इंटू ए सदिश जो है हमारा, इसका परिमाण अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये जो लेमडा हमारा है, लेमडा का मॉडुलस मॉड इंटू सदिश ए का मॉडुलस, बात समझ रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेमडा इंटू ए सदिश का परिमाण, यानी ए सदिश में हम लोगों ने जब लेमडा से मल्टीप्लाई किया तब जो सदिश आया लेमडा इंटू ए उसका परिमाण है, यानी उसकी लंबाई लेमडा इंटू ए का मॉडुलस। तो ये हमारा क्या होगा, मॉड लेमडा इंटू मॉड ए, यानी ये मॉड लेमडा इंटू सदिश ए का परिमाण। तो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का। अब एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि ये हमारा कोई सदिश ए है और ये हमारा क्या है, सदिश ए का परिमाण है, ये क्या है हमारा सदिश ए इसको, और ये हमारा क्या है सदिश ए का परिमाण। तो ये हमारा अगर सदिश ए है और इसका परिमाण कितना है, मॉड ए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश, यानी जिसका जो है एक यूनिट लंबाई हो, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, ए कैप से। ए कैप हमारा क्या होता है, ए कैप हमारा होता है सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश, सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश। तो यानी अगर इस सदिश में हम लोग मॉड ए जो कि सदिश ए का परिमाण है उससे गुणा कर दें तो हमारा ए वेक्टर आ जाएगा, यानी अगर हम लोग इसी को जो ए कैप है ए कैप में हम लोग मॉड ए से गुणा कर दें, मॉड ए हमारा क्या है, जबकि मॉड ए हमारा सदिश ए का परिमाण है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी लंबाई ये ए के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ से हमको एक पॉइंट निकला कि किसी भी वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इंटू ए कैप वेक्टर, और यहाँ से हमारा ए कैप वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। यानी अब यहाँ से हम लोग जो हैं एक हेडिंग डाल लेते हैं, 2 मिनट का होगा इसमें, कि किसी सदिश किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर हम लोग कैसे निकालें। तो फिर वही बात है कि ये हमारा अगर वेक्टर ए है,
ये वेक्टर ए है, तो हमारा ये जो हम लोग वेक्टर ए का मॉड निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए का परिमाण बोलते हैं, यानी उतनी लंबाई है। और ए कैप हमारा क्या होता है, ए कैप वेक्टर हमारा क्या होगा, वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर। तो ए कैप हम लोग क्या कहते हैं, ये है वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश, तो अगर हम लोग ए कैप वेक्टर में वेक्टर ए के परिमाण से गुणा कर दें तो हमारा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, वेक्टर ए के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा वेक्टर ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए हमारा होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, या ए कैप हमारा होता है वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यानी किसी भी वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में आप उस वेक्टर के परिमाण से भाग दे देंगे, किसी भी वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में आप उस वेक्टर के परिमाण से भाग दे देंगे।